खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक है आज। आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। तो खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक है आज, लखनऊ से ये खबर। जहां आज लोक भवन में ये बैठक होगी, कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है। और आपको बता दें कि 11 बजे योगी कैबिनेट की ये बैठक होगी। तो इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा, और बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन ऐसे प्रस्ताव है जिस पे आज चर्चा होगी। लोक भवन में इस बैठक की आयोजन होगा, सुबह 11 बजे आयोजन, और सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से खबर, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज और लोक भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक होने वाली है। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और सभी जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है। कई अहम विभागों को आज वरीयता दी जाएगी, और बताया ये जा रहा है कि करीब एक दर्जन ऐसे प्रस्ताव है जिस पे आज चर्चा होगी और मुहर लगना संभव बताया जा रहा है। और इस पर बात करने के लिए यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आज योगी कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ जानकारी, कौन कौन से प्रस्ताव जिस पे आज मुहर लगेगी? ये जा रहा है कि आज योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चिंतन करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज मंजूरी दी जाएगी, जिनमें ऊर्जा का जो 1 लाख करोड़ की व्यवस्था है उसमें नई ऊर्जा नीति को पूरी तरीके से लागू करने के लिए एक व्यवस्था दी जा रही है। उसके लिए जो धन की जरूरत है उसको आज कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी। वहीं अगर बात की जाए उच्च शिक्षा नीति, नई जो शिक्षा नीति आई है उसको प्रदेश में लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा और जो बेसिक शिक्षा के विद्यालय है उनमें भी सुचारू रूप से बदलाव के लिए एक बड़ा बजट दे सकती है सरकार। तो कुछ जनपदों में आज जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, और जन सरकार से जुड़े कुछ एक जनपदों में जो जिले की सीमा बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव आना है उस पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। वहीं अगर इस बात की चर्चा की जाए कि आखिरकार कुल कितने जिस तरीके के मामले हैं जिन पर आज बैठक में चर्चा होनी है, तो उनकी संख्या लगभग 12 से 13 है। कम से कम 15 प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है, और कई ऐसे जनहितकारी कल्याणकारी जो प्रस्ताव है जिन पर आज योगी कैबिनेट अपनी मुहर लगा। विजय जी, यहाँ पे मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगी कि जो राम मंदिर का जो स्थापना का कार्यक्रम है वो जल्दी होने वाला है, और लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत नजदीक है, कितनी है वैसे में ये बैठक? देखिए, ये 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए ही कैबिनेट बैठक रखी जाती है। इनमें विकास की तमाम योजनाएं जो है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कैबिनेट की एक मंजूरी लेनी पड़ती है, तमाम योजनाओं को उनको पूरा करने के लिए, तो वही ये बैठक है। और इसको जल्द से जल्द कहा जाए तो विकास को जमीन पर उतारने के लिए, सरकारी अफसरों को जमीन पर जुट जाने के लिए इस बैठक के बाद ही निर्देश मिलते हैं, और बैठक को औपचारिक रूप से अंतिम मुहर माना जाता है किसी भी निर्णय और विकास कार्यों की योजनाओं के। जी विजय जी, राम मंदिर की भी तैयारी हो रही है कार्यक्रम को लेकर के, क्या इस बैठक में राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी, क्या राम मंदिर से जुड़े कोई प्रस्ताव? देखिए, अयोध्या से जुड़े कई प्रस्ताव हैं जिनमें तमाम जो एयरपोर्ट से संबंधित और नगर विकास के संबंधित है, जो नगर के अंदर जो विकास योजनाएं सरकार चला रही है उसके तहत कई ऐसे प्रस्ताव हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर पिछले कैबिनेट में ही बैठक में मंजूरी मिल गई थी। कुछ एक प्रस्तावों की चर्चा इसमें हो सकती है जिनमें समस्त लेकर नगर विकास और जो स्थानीय विकास है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल विजय जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो खबर आपको बता दें, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज, आपको बता दें कि सुबह 11 बजे लोक भवन इस बैठक का आयोजन, और एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने वाली है, और काफी अहम ये बैठक है क्योंकि जल्द ही राम मंदिर का जो कार्यक्रम है वो भव्य रूप से आयोजित किया जाना है, पूरे प्रदेश भर में इसकी रौनक देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इसको लेकर के विकास के कार्यों पर भी आज की बैठक में चर्चा संभव है।